नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन चौहान है और आज हम बात करेंगे कि माइटोकॉन एप्लीकेशन में से आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन लोगों के मन में डाउट है, फिर भी क्लियरेशन नहीं है कि किस तरह से यहाँ से विड्रॉ करें। या तो इन्फॉर्मेशन में कमी होती है या कोई और बात होगी शायद। लेकिन जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं उनको सिर्फ और सिर्फ जेन्यून कंटेंट दूँ और सबसे सबसे आसान भाषा में उनको समझ में आए ऐसा कंटेंट उनको प्रोवाइड कराऊँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड और शेयर मार्केट से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके जेन्यून कंटेंट जो है मेरे चैनल पे मैं लेके आता रहता हूँ। और एक भी वीडियो जो है आपसे ना छूटे, इसलिए आपको इसे सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में सीरियस हैं, या फिर अपना जीरो बैलेंस के साथ कैसे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, या फिर बैलेंस डाल के इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस नया कैसे खड़ा कर सकते हैं, सारी डिटेल जो है आपको मेरे चैनल पर जेन्यून कंटेंट के साथ मिलती रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो व्लॉग चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर इस चैनल को मेरे कुछ हो गया तो मैं हम वहां भी मिल सकते हैं और नए अपडेट में वहां पे देता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, लाइव में आपको दिखाता हूं कि मैंने यहां से किस तरह से विड्रॉ करता हूं, किस तरह से मैंने किया और कितने टाइम में इसका विड्रॉ आया है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आज हम लाइव माई टोकन से विड्रॉ करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हमें जाना है अपने माई टोकन एप्लीकेशन में, और यहां माई टोकन एप्लीकेशन में देखिए दो ऑप्शन हमें सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं, पहला है रिचार्ज और दूसरा है विड्रो। ठीक है, ये है रिचार्ज और ये है विड्रो। तो हमें यहाँ से अभी विड्रो करना है, तो सिंपली हम जाएंगे विड्रो पे, और यहाँ पे देखिए हमें दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक रुपीस विड्रो और एक ये करंट डिजिटल करेंसी विड्रो। पहले क्या था, पहले ये था कि जो भी डायरेक्ट INR है वो यहाँ से हम डायरेक्ट अपने अकाउंट में जो है यहाँ से विड्रो कर सकते थे, लेकिन माई टोकन ने अभी यहाँ पे परमिशन लगा दिया कि 1000 से ज़्यादा INR जो है आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो सिंपली वे भी रिकमेंड करता हूँ कि आप डिजिटल करेंसी में ही यहाँ से विड्रॉ करें, क्योंकि ये आसानी से हो जाता है विद इन कुछ मिनटों में ही या फिर कुछ घंटों में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ डिजिटल करेंसी चूज़ कर ले अगर नहीं है तो, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए USDT का ऑप्शन है, तो आप पहले देख सकते हैं नीचे कि कितना USDT आपको ये बाय करने के लिए बोल रहा है। जितना आप बाय कर सकते हैं वो नीचे अवेलेबल बैलेंस में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी 55.36 जो है मेरा USDT है, तो मैं यहाँ पे 55 लिख देता हूँ, ताकि इतना मैं यहाँ पे अभी विड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से ये खास ध्यान रखना है आपको, TRC20 यहाँ आपको TRC20 ही सिलेक्ट करना है, और अपने जो बाइनेंस है वहाँ भी TRC20 आपको सिलेक्ट करना। और कैसे करना मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ आपको 55 अपने लिख दिया, यहाँ TRC20 है, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा कहाँ आप इसे विड्रॉ करना चाहते हैं, चाहे बाइनेंस में करें, चाहे WazirX में करें, या आप अपना जो भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको इसे ट्रांसफ़र करना होगा, उसके बाद ही आप अपने अकाउंट में इसे विड्रॉ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे बाइनेंस में ही ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा और सेफ़ लगता है, इसका प्रोसेस भी जल्दी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने बाइनेंस में। तो यहाँ से हम अपने बाइनेंस में जाएंगे, सिंपली यहाँ पे बाइनेंस देखिए मेरा। तो जैसे ही आप इस पे अंदर आएंगे तो इस तरह का कुछ जो है डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको वॉलेट का जो यहाँ पे कॉर्नर में ऑप्शन मिल रहा था, तो आपको यहाँ पे जाना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ वॉलेट पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है यहाँ ऊपर मिल रहे हैं आपको, डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपका अगर नहीं दिख रहा है USDT तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है ऊपर, यहाँ सर्च बार में USDT, पर यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मेरा दिख रहा है तो मैं इसे ओके कर दूँगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ERC20, BEP2, BEP20, लेकिन आपको यहाँ पे वहाँ पे आपको दिखा था TRC20, तो यहाँ पे आपको TRC20 सिलेक्ट करना है, वरना आपका पैसा फंस सकता है, इसका खास ध्यान रखें आप। यहाँ पे TRC20 को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए आप QR कोड से भी इसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर आपका ये जो एड्रेस है इसे कॉपी कर लीजिए और जा करके इसे हमको पेस्ट करना होगा कहाँ पे, माई टोकन में। चले इसे कॉपी कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम अपने माई टोकन में आ गए। और देखिए यहाँ पे जो ये एड्रेस मांग रहा है यहाँ पे हम इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। देखिए ये हो गया, अब कुछ नहीं करना है, हम इसे विड्रॉ के लिए अलाउ कर देंगे। तो इसे तो कन्फर्म करेंगे, और यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो आप डालेंगे, जो भी माई टोकन में आपने बनाया होगा वो आपको डाल देना है। और ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, और देखिए ये आप वहीं विड्रॉ के लिए परमिशन मांग रहा है, तो आपको इसे सक्सेसफुल कर देना। और देखिए ये जो है यहाँ पे आपको दिखाई देना कॉर्नर में, जो आपको आपका जो विड्रॉ रिक्वेस्ट है यहाँ पे दिखाई देगा, विड्रॉलिंग लिखा हुआ। यहाँ जब विड्रॉ सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस दिखा देगा। अभी देखिए वीडियो को मैं पोस्ट करता हूँ और देखते हैं कितने समय में हमारे बाइनेंस में जो है इसका बैलेंस अभी आ जाता है। अभी यहाँ पर समय हो रहा है
6:29 यानी कि 6:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने टाइम में जो है हमारा बैलेंस जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो काफ़ी समय हो चुका है, जैसे कि 10 मिनट हो चुके हैं इसे किए हुए। देखते हैं बाइनेंस में अपना फंड आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मेरा फंड जो है बाइनेंस में ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पे मेरा 53 USDT जो है वो यहाँ पे आ चुका है। बाकी जो है मेरा यहाँ पे चार्ज लगा है माई टोकन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो बैलेंस है वो बाइनेंस में आ चुका है विड्रो होके माई टोकन से। तो अभी इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा INR में। तो किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पे सिंपली मुझे इसे पहले ट्रांसफ़र करना होगा फंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है डिपॉजिट का, दूसरा विड्रो का, तीसरा यहाँ पे जो ट्रांसफ़र का। तो आपको सिंपली ट्रांसफ़र टैप करना होगा और यहाँ पे देखिए BTC दिखाई रहा है। यहाँ पे हमको USDT पहले सिलेक्ट करना होगा। तो अगर यहाँ मिलता है तो ठीक है, वरना यहाँ से आप सर्च कर लीजिए। यहाँ मेरा बाई डिफॉल्ट, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, मेरा यहाँ बाई डिफॉल्ट USDT जो है दिखाई रहा है, तो मैं इसे टैप कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से देखिए कितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, कि सारा बैलेंस जो है देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा तो मेरा पेमेंट जो है तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा पेमेंट जो है ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं इसे सेल करूँगा और फिर INR में जो है अपना पैसा अपने बैंक में विड्रॉ करूँगा, या फिर मैं जिसमें भी विड्रॉ करना चाहता हूँ, UPI से करना चाहता हूँ, PayTM से करना चाहता हूँ, जिससे करना चाहता हूँ मैं करूँगा। अब करने के लिए यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे P2P का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस पे ऊपर टैप कर देना है। और यहाँ पे अगर आपको USDT खरीदना है तो यहाँ पे देखिए बाय लिखा हुआ है, और अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे सेल लिखा हुआ है। लेकिन अभी सिंपली हमें क्या करना है, हमें सेल करना है, बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे सेल पे हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा नीचे देखिए सारे के सारे सेलर्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है 78.66। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास अभी 53 USDT अवेलेबल है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो फ़िल्टर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमको फ़िल्टर करना होगा, और 4,500 रुपये की हमारी जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमें फ़िल्टर करनी होगी पहले। तो 4,500 रुपये में यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ES पे टैप करूँगा तो ये देखिए जितने भी 5,000 या 5,000 के ऊपर के सेलर हैं वो यहाँ पे मुझे बाइनेंस दिखा देगा और मुझे इनसे डील करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कौन अच्छी प्राइस दे रहा है वो मुझे यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, देखना होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे जो परसेंटेज दिखा रहा है वो 90 से कम ना हो, या 95 से कम ना हो, ये आपको देखना हो, वैसे ही सेलर से आपको डील करनी होगी अपनी। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहला सेलर जो है वो 78.55 INR जो है वो दे रहा है 1 USDT का। तो मैं अभी यहाँ पर इसे सेल करने की कोशिश करता हूँ, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास जो अवेलेबल फैसिलिटी हो यहाँ पे दिखाई दे रहे, ब्रेक ट्रांसफ़र भी है, PayTM भी है, और IMPS टेक्नोलॉजी से भी ये हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो सेल वाला ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करना है। देखिए ये अभी फ्री नहीं है ऐसा बता रहा है, लेकिन नीचे देखते हैं हम, इस दूसरे वाले को हम देख लेते हैं क्या है। देखिए अभी इस यहाँ पे मिल गया हमें, तो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी हमें चाहिए सेल करनी है वहाँ यहाँ पे अलाउ कर लेते हैं। तो सारा का सारा पेमेंट जो है वो यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें सिलेक्ट मेथड पेमेंट किस में हम रिसीव करना चाहते हैं पेमेंट। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बाइनेंस जब भी आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो वहाँ पे आपको अपनी पेमेंट मेथड जो है जितने भी आपके पास PayTM नंबर है या फिर बैंक अकाउंट है या UPI आपने वहाँ पर ऐड किए होंगे, नहीं किए हैं तो मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बता दूंगा। लेकिन जो भी आपने ऐड किया हो यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपके जितने भी पेमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो आपको दिखा देंगे। देखिए मेरा भी यहाँ एक अकाउंट है वो यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं इस पर सिंपली यहाँ पे पेमेंट वो मुझे कर सकता है, तो मैं इसे क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी उसकी सारी डिटेल। अभी यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि मुझे 4,190 रुपये जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, 53.35 USDT की प्राइस मुझे यहाँ पे मिलेगी, 4,190.11 INR। ओके, तो इसकी कोई फीस नहीं लगने वाली, ये है ज़ीरो, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली इसके ऊपर टैप कर दे। देखिए तो सेल जैसे ही हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पे देखिए चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप मैसेज पहले सेलर को कर लीजिए क्या वो ऑनलाइन है या नहीं, उससे आपको अच्छा देखिए इसका नंबर उसने यहाँ पे दिया, इसका मतलब ये है कि वो ऑनलाइन ही है। हम यहाँ इसको मैसेज कर देते हैं, देखिए मैंने हाई करके उसको भेज दिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए उसके पेमेंट करने का हम वेट करेंगे, हमारा पेमेंट जो है हमारे अकाउंट में आता है या नहीं। जब वो पेमेंट हमें रिलीज़ कर देंगे तो हमें यहाँ ये जो पेमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन दिख रहा है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद ही हमें अपना पेमेंट जो है उसे रिलीज़ करना है। ओके, तो आप देखिए अपने अकाउंट में उसके बाद कि आपको पेमेंट मिला है
या फिर नहीं, ठीक है। जैसे वो पेमेंट दे देगा तो वो मैसेज भी अपने को कर ही देगा कि प्लीज़ रिलीज माई पेमेंट। उससे पहले ये जो है ऑप्शन वो एक्टिवेट ही नहीं होगा और ना ही आपको उसको पेमेंट अपनी रिलीज़ करनी है। ओके, तो पहले देख लेते हैं अपने अकाउंट में कि अपना पैसा आया है नहीं। यहाँ पे जो टाइमिंग इसकी दी गई है 5 मिनट का, इस 5 मिनट के अंदर ये पेमेंट हो ही जाता है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं कितनी दिन में देर में ये हमें पेमेंट रिलीज़ करते हैं, क्योंकि उसको भी फिर अकाउंट नंबर उसमें डालना पड़ेगा तब जाके वो फिर हमें करेगा, तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है विद इन 1-2 मिनट, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखते रहिए, देखते हैं हम कब तक हमारा पेमेंट जो है रिसीव होता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा पेमेंट जो है यहाँ पे कुछ विद इन मिनट में आ चुका है और मैंने इसे यहाँ से पेमेंट जो है वो रिलीज़ अभी करने के लिए आपको सिंपली इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको जो भी एक्सपीरियंस से मिला है वो माइनस मांगता है तो आपको दे देना है, यहाँ पे कंफर्म करना है और उसके बाद आपका जो भी मोबाइल रजिस्टर होगा उसके ऊपर ये सेंड कोड जाएगा, वो कोड जब भी आपके मोबाइल में आ जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना, तो वो जो सेलर है उसको आपका पेमेंट जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये कोड आ चुका है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे देखिए ये जो है पेमेंट मेरा यहाँ से रिलीज़ हो गया। मैं यहाँ से डन कर देता हूँ, अभी उस जो सेलर है उसे पेमेंट मिल चुका है यहाँ से, और देखिए यहाँ ऊपर भी मैसेज आ चुका है कि मेरा पेमेंट जो है यहाँ मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो चुका है। ओके, तो इसी तरह से आपको यहाँ से आसानी से पेमेंट अपने अकाउंट में भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आराम से आप समझ चुके होते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नॉलेजफुल वीडियो आपको यहीं मिलने वाली है। आई होप गाइस वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सीख चुके होंगे कि माई टोकन एप्लीकेशन जो है वो अभी जेन्यून चल रही है, विड्रो दे रही है और कितने समय में विड्रो आता है आपने देख लिया होगा और आप सीख भी चुके होंगे कि किस तरह से आपको माई टोकन एप्लीकेशन से विड्रो करना है। पैसा बहुत ही आसानी से इसमें आ जाता है, इसमें पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना बाइनेंस के थ्रू वो भी बिल्कुल आसान है। लेकिन और भी कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर कोई भी चीज़ का आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट से मुझे यार इन्फॉर्मेशन मिलती है और मैं आपके लिए और भी मेहनत करके अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड और कौन कौन सी अर्निंग एप्लीकेशन है जिससे आप पैसे डाल के या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ पैसे कमा सकते हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप जानना क्या चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।